हेलो यूट्यूब, दिस इज शुभम अग्रवाल एंड यू आर वॉचिंग साइबर वावा। सो फ्रेंड, बहुत सारे यूजर्स की रिक्वेस्ट के बाद आज हमारा ये वीडियो है। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने चैनल पर टेक न्यूज़ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, बट उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि वह टेक न्यूज़ कहाँ से फाइंड करें। और यार, अगर आपने टेक न्यूज़ बनाने का डिसीजन लिया है तो आपका बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि असली कमाई टेक न्यूज़ में है। अब क्यों है और कैसे है, इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आप आखिर में टेक न्यूज़ को फाइंड कैसे करेंगे। आज मैं आपको कुछ वेबसाइट्स और कुछ ऐप्स बताने वाला हूँ, जिनका यूज़ करके आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में टेक न्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो इन्हें अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। तो यार देखो, इस लिस्ट में हमारी जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट है वह है सीनेट। सीनेट बहुत ही ज़्यादा फेमस और पॉपुलर वेबसाइट है। अब यहाँ पर आपको डिफॉल्ट मेन कैटेगरीज भी मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन रिव्यूज़, सेकंड न्यूज़, और न्यूज़ के अंदर भी आपको सब कैटेगरीज मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्पल, कंप्यूटर्स, कल्चर, गूगल, इंटरनेट, इसके बाद टेक इंडस्ट्री। सिंपली आप इसे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको टॉप स्टोरीज दिखती हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको कुछ लेटेस्ट गैजेट, लेटेस्ट स्टोरीज और भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको सीनेट में मिलते हैं। तो यह भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है टेक न्यूज़ को फाइंड करने के लिए। इसके बाद हमारी जो सेकंड वेबसाइट है वह है टेक क्रंच। यार टेक क्रंच एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको सबसे पहले न्यूज़ मिलेगी। यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वह है न्यूज़। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टअप, मोबाइल, गैजेट, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको रिसेंटली न्यूज़ शो हो रही हैं। सो टेक न्यूज़ को फाइंड करने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वेबसाइट है वह है मैसेबल। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपको कुछ कैटेगरीज मिलती हैं, जैसे कि कल्चर, टेक, साइंस, तो इस प्लेटफॉर्म से भी आप न्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है वह है एनगैजेट। तो यार बाकी वेबसाइट की तरह यह भी एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। गेमिंग, एंटरटेनमेंट, वीडियोस, रिव्यूज़, यहाँ पर भी आपको वही सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वेबसाइट है वह है GSM Arena। यार स्मार्टफोन के लिए वेबसाइट सबसे बेस्ट है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस वेबसाइट को जरूर यूज़ करें। अब इस वेबसाइट में आपको सारे मोबाइल फोन्स की स्पेसिफिकेशन मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 घंटे पहले न्यूज़ अपडेट हुई है, सैमसंग गैलेक्सी A8। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 घंटे पहले, तो यहाँ पर भी आपको लेटेस्ट मोबाइल की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसे आप अपनी टेक न्यूज़ में शामिल कर सकते हैं। तो यार यह कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि यह सारी वेबसाइट इंग्लिश में है। अगर हम हिंदी वेबसाइट्स की बात करें तो इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल पर, और कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनका यूज़ करके आप हिंदी में भी टेक न्यूज़ निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड, इस लिस्ट में हमारी जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है वह है Gadget 360। सिंपली आपको इसको ओपन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NDTV वालों का वेंचर है, और यहाँ पर आपको सारी न्यूज़ हिंदी माध्यम में मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर लेटेस्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सारी लेटेस्ट न्यूज़ हो रही हैं। इसी तरह से मोबाइल फोन्स, देन रिव्यू, टैबलेट, ऐप्स, TCN लैपटॉप, विज्ञान और टेलीकॉम। सो फ्रेंड, यह भी एक बहुत ही अच्छी ऐप्स है अगर हिंदी माध्यम में आप टेक न्यूज़ फाइंड करना चाहते हैं तो। इसके बाद हमारी जो सेकेंड ऐप है वह है BBC। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने BBC हिंदी को डाउनलोड किया है। गैजेट 360 की तरह यह भी एक बहुत ही बेहतरीन ऐप है। फर्स्ट पेज पर आपको सारी लेटेस्ट पोस्ट ही मिलती हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वह है UC न्यूज़। तो यार यह भी एक हिंदी माध्यम में टेक न्यूज़ को फाइंड करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको वही लेटेस्ट आर्टिकल शो होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि लोकप्रिय, मनोरंजन, क्रिकेट, शिक्षा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपको गैजेट की एक कैटेगरी मिलती है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आपको एक और कैटेगरी मिलती है टैग। तो यह भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आप टाइम्स ऑफ इंडिया, द नेक्स्ट जनरेशन वेब और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप न्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक करें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए #cyberbaba।